एक तरफ एक कॉलम में और केमिकल कोऑर्डिनेशन दूसरे कॉलम में सारा लिखा हुआ है। सिमिलैरिटीज कौन सी हैं इन दोनों सिस्टम्स में? बोथ हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स एंड नर्व सेल्स सिंथेसाइज केमिकल मैसेंजर। सिमिलैरिटीज आर बोथ हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स एंड नर्व सेल्स सिंथेसाइज केमिकल मैसेंजर। हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स हो या नर्व प्रोड्यूसिंग या नर्व सेल्स हो, ये दोनों केमिकल मैसेंजर बनाते हैं। बोथ रिलीज द मैसेंजर केमिकल्स इन एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस ऑफ द बॉडी। और ये दोनों सिस्टम्स फिर अपने मैसेंजर को एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस में सेंड करते हैं। बोथ हेल्प इन कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी। बोथ हेल्प इन कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी और दोनों बॉडी कोऑर्डिनेशन में दोनों का रोल है। हार्मोनल सिस्टम हो या नर्वी सिस्टम हो, दोनों का बॉडी की कोऑर्डिनेशन में रोल है। बोथ फंक्शन इन रेस्पॉन्स टू स्पेसिफिक स्टिमुलाई आइदर फ्रॉम विद इन द बॉडी और फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बोथ फंक्शन इन रेस्पॉन्स टू स्पेसिफिक स्टिमुलाई आइदर फ्रॉम विद इन द बॉडी और फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। दोनों सिस्टम एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स यानी स्टिमुलाई के सामने रेस्पॉन्सिव होते हैं, प्रॉपरली रिस्पॉन्स शो करते हैं। बोथ सिस्टम्स आर होम्योस्टैटिक इन फंक्शंस। दोनों होम्योस्टेसिस में रोल प्ले करते हैं और एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो स्टिमुलाई हैं उनके सामने रिस्पॉन्सिव होते हैं। दोनों सिस्टम्स का कोऑर्डिनेशन में रोल है। दोनों सिस्टम्स ये अपने मैसेंजर जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसीज में सेंड कर देते हैं। हॉर्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स हो या नर्व सेल्स हो, सिंथेसाइज केमिकल मैसेंजर। दोनों केमिकल मैसेंजर बनाते हैं। केमिकल मैसेंजर दोनों सिस्टम्स, नर्वी सिस्टम भी और केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला ये हॉर्मोनल सिस्टम भी केमिकल मैसेंजर प्रोड्यूस करते हैं। अभी टेबल्स आर गर्ल्स आप देखें कि इसमें न्यूरॉन्स जो हैं वो नर्वी सिस्टम में बेसिक यूनिट्स हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। और इन एडिशन टू न्यूरोग्लियल सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शन टू न्यूरॉन। न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शन टू न्यूरॉन्स। फिर न्यूरोग्लियल सेल्स जो होते हैं न्यूरॉन्स के अलावा वो न्यूट्रिशन और प्रोटेक्शन न्यूरॉन को प्रोवाइड करते हैं। हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स एंड न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स रिलीज हार्मोन्स एंड आर यूनिट्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। हार्मोन्स प्रोड्यूसिंग सेल्स एंड न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स रिलीज हार्मोन्स एंड आर यूनिट्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। फिर केमिकल कोऑर्डिनेशन में हार्मोन्स जो हैं वो हार्मोन्स रिलीज और जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन में वो क्या है? दिखाने हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स। एक मिनट दिखाना। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स हैं। 3:37 अपना माइक ऑफ करें। जो हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं वो यूनिट्स हैं स्ट्रक्चरल और फंक्शनल केमिकल कोऑर्डिनेशन में। और नर्वस कोऑर्डिनेशन में यूनिट्स हैं न्यूरॉन्स। और न्यूरोग्लियल सेल्स न्यूरॉन्स की नर्वस सिस्टम की प्रोटेक्शन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए होते हैं। अब दूसरा पॉइंट देखें, केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय न्यूरोन एंडिंग्स एक्ट वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड। जो केमिकल्स न्यूरोन एंडिंग से रिलीज होते हैं वो जहां रिलीज होते हैं वहीं एक्ट शो करते हैं। वेरी क्लोज टू दी सेल्स द इंफ्लुएंस कॉमनली फ्रॉम लेस देन अ माइक्रोमीटर अवे। फॉर एग्जाम्पल एसिटाइलकोलाइन प्रोड्यूस्ड बाय नर्व एंडिंग्स एट साइनेप्स एक्साइट्स द नेक्स्ट न्यूरोन। फॉर एग्जाम्पल एसिटाइलकोलाइन जो है वो रिलीज होता है तो साइनेप्स के पास ही वो एक्शन शो करता है और नेक्स्ट न्यूरोन को एक्साइट कर देता है। जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में जो हॉर्मोन्स बनते हैं केमिकल्स प्रोड्यूस्ड
are poured into and transported by blood. These hormones affect the target cells, which are far away from where the hormones are produced. For example, ADH is produced from posterior lobe of the pituitary gland, but affects the target cells present in the nephron and collecting. The topic khatam nahi hoga. Aapka course bahut lengthy hai. आप पढ़ाने दें इसी पर जरा आराम आराम से समझा देना थोड़ा सा म्यूट कर दे म्यूट कर दे म्यूट नहीं हो रहा अस्सलाम वालेकुम मिस जी यू आर म्यूट कर दो ADH जैसे हार्मोन है वो प्रोड्यूस होता है पिट्यूटरी ग्लैंड में लेकिन उसके टारगेट सेल्स जो हैं वो हैं प्रेजेंट टारगेट सेल्स नेफ्रॉन्स में और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स और नेफ्रॉन्स किडनी के वो इनके टारगेट सेल्स हैं इस हार्मोन के यानी कंट्रोल दी एब्जॉर्प्शन प्रोसेस ऑफ वाटर फ्रॉम इन दी किडनी किडनी में जो एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है उसे कंट्रोल करने के लिए ADH है वो प्रोड्यूस होता है पिट्यूटरी ग्लैंड में और टारगेट टिश्यू है किडनी में लोकेटेड अब तीसरा पॉइंट देखें इनकी कंपेयर हम कर रहे हैं किसको नर्वस कोऑर्डिनेशन को केमिकल कोऑर्डिनेशन के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं ये दो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए एक तो डिस्टेंस जहां एक्शन शो करते हैं केमिकल्स फिर फर्स्ट पॉइंट था कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स कौन सी हैं न्यूरॉन्स यूनिट्स हैं नर्वस सिस्टम की जबकि हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स ये In nervous system, neurons release its neurotransmitter into one or small group of specific cells. So, neurotransmitter जो है वो secrete होता है nervous system में into the one or small groups of specific cells. जबकि इसके comparison में साथ chemical coordination का point ये है The blood, bone, hormones bath millions of cells indiscriminately and only a few respond to these hormones. जो हॉर्मोन कंटेनिंग ब्लड होता है वो बाथ देता है तमाम सेल्स को इनडिस्क्रिमिनेटली के टारगेट टिश्यूज कौन से हैं और दूसरे कौन से हैं वो इनडिस्क्रिमिनेटली तमाम सेल्स को ब्लड से हार्मोन कंटेनिंग ब्लड जो है वो बात दे देता है अब फोर्थ पॉइंट आप गर्ल्स देखें कंपैरिजन वाले टेबल में कि नर्वस सिस्टम हैज इमीडिएट इफेक्ट और शो रेस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस इंस्टेंटली नर्वस सिस्टम जो है इंस्टेंटली रेस्पॉन्स शो करता है जबकि हार्मोन्स जो है वो फॉरन रेस्पॉन्स शो नहीं करते There may have immediate effects, for example, insulin, but mostly hormones have prolonged or delayed effects, for example, growth hormones. कुछ hormones तो immediate effect show करते हैं जैसे insulin है और कुछ hormones का effect delayed effects कुछ hormones show करते हैं जैसे growth hormone. अब एक point आप देखें nervous system में nervous system control is affected through the electrical signals and travel within the cell itself and it releases its neurotransmitters only where it reaches its target. The control system provided by nervous system is affected through electrical signals and travel within the cell itself and it releases its neurotransmitters only where it reaches its target. तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हैं वो असरअंदाज होते हैं नर्वस सिस्टम पे जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले कंट्रोल में कंट्रोल इन्वॉल्व्स ओनली केमिकल स्टिमुलेशन एंड द टारगेट सेल्स आर फार अवे फ्रॉम देम केमिकल्स जो हैं वो असरअंदाज होते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले सिस्टम में जबकि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इफेक्ट शो करते हैं नर्वस सिस्टम पे नर्वस सिस्टम शोज फास्टर और रैपिड इफेक्ट
The speed of impulse in most cases is 100 meters per second, but maximum speed of nerve impulse recorded in the human beings is 120 meters per second. Speed nerve impulse ki 100 meter per second होती है ह्यूमन, जबकि ज्यादा से ज्यादा 120 मीटर पर सेकंड भी बाज़ दफा हो जाती। इट इज नॉट वेरी रैपिड, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में यही चीज हम देखें कि कितनी रैपिडली ये वर्क करता है, तो केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम इज नॉट वेरी मच रैपिड बट शोज स्लो एंड प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट्स। ठीक है ना, ग्रोथ रेट पे ये इफेक्ट होता है, तो ये प्रोलॉन्ग इफेक्ट्स होते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन के, अपने जो हॉर्मोन्स के थ्रू इफेक्ट्स शो करते हैं। अब लास्ट पॉइंट कंपैरिजन वाले टेबल में ये है कि द केमिकल्स इन्वॉल्व्ड इन दिस सिस्टम न्यूरोट्रांसमीटर्स और न्यूरो हॉर्मोन्स आर शॉर्ट लिव्ड, दैट इज ब्रोकन डाउन शॉर्टली आफ्टर देयर रिलीज, दस द इफेक्ट्स ऑफ मैसेंजर्स सेंट बाय न्यूरॉन्स टेंड टू बी of much shorter duration. और effects जो होते हैं इन nervous system में messengers के, वो shorter duration के लिए होते हैं, और neurotransmitters और neuro hormones जो हैं वो short lived भी होते हैं, और इनके effects भी shorter duration के लिए होते हैं, और ये neurotransmitters और neuro hormones short lived भी होते हैं। जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में हॉर्मोन्स आर द केमिकल्स विच रिमेन एक्टिव फॉर मच लॉन्गर ड्यूरेशन विद इन द ब्लड एंड दस हैव मच लॉन्गर ड्यूरेशन फॉर देयर एक्शंस। हॉर्मोन जिसके बरक्स लॉन्गर टाइम के लिए रहते हैं, लॉन्गर टाइम स्पैन है इनका, ठीक रहते हैं काफी टाइम तक के लिए, और इनके एक्शन के लिए भी इनको लॉन्गर ड्यूरेशन मिल जाती है। बिहेवियर, बिहेवियर वाला टॉपिक कल थोड़ा सा शुरू कर लेते हैं, बाकी ज्यादा डिटेल। केमिकल कोऑर्डिनेशन का दोबारा बता दें, थोड़ा सा आवाज सही नहीं आ रही थी। गर्ल्स ये कंपैरिजन वाला टेबल है, आप खुद देख लीजिएगा, एक तरफ केमिकल कोऑर्डिनेशन लिखा हुआ है और एक तरफ नर्वस कोऑर्डिनेशन लिखा हुआ है, ठीक है ना, उनको कंपेयर करते हुए पॉइंट्स हैं, उसकी यूनिट से स्टार्ट किया हुआ है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स कौन सी है इन दोनों सिस्टम्स में। एक केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले सिस्टम में हॉर्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स जो है वो यूनिट्स है, जबकि नर्वस सिस्टम में यूनिट्स का नाम है न्यूरॉन्स, ठीक है ना। फिर ये सारा आप उसकी तफसील पढ़ लेना आगे, कि केमिकल जो है नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन एंडिंग से न्यूरॉन ट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, जबकि केमिकल्स जो केमिकल कोऑर्डिनेशन में जो केमिकल्स बनते हैं वो क्या है, वो हॉर्मोन्स हैं। हॉर्मोन्स ब्लड में एंटर हो जाते हैं और फिर टारगेट टिश्यूज तक जाते हैं। हॉर्मोन्स दो हॉर्मोन्स की एग्जाम्पल दी हुई है, एडीएच हॉर्मोन और इंसुलिन, ठीक है ना। केमिकल्स न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं नर्वस सिस्टम में, जबकि हॉर्मोन्स केमिकल्स हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन में। फिर न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्शन शो करते हैं इनटू अ स्मॉल ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक सेल्स, वन और मोर ग्रुप्स ऑफ स्पेसिफिक सेल्स, जबकि हॉर्मोन्स जो होते हैं वो ब्लड में एंटर हो जाते हैं और ब्लड जो है इनडिस्क्रिमिनेटली फिर हॉर्मोन्स को के साथ ही इनडिस्क्रिमिनेटली तमाम टिश्यूज को बात देता है, जबकि नर्वस कोऑर्डिनेशन में ऐसा नहीं होता, स्पेसिफिक सेल्स ही अफेक्ट लेते हैं नर्वस सिस्टम से, जबकि ब्लड जो हॉर्मोन कंटेनिंग ब्लड है वो इनडिस्क्रिमिनेटली यानी बगैर किसी फर्क के बॉडी की तमाम सेल्स को बात ब्लड ये दे देता है। और नर्वस सिस्टम में इफेक्ट इमीडिएट होता है और इंस्टेंट और इमीडिएट इफेक्ट और रिस्पॉन्स शो करता है नर्वस सिस्टम, जबकि हॉर्मोनल सिस्टम केमिकल कोऑर्डिनेशन में हॉर्मोन्स जो हैं वो डिलेड इफेक्ट, डिले समझते हो ना, देर बाद इफेक्ट शो करता है केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला सिस्टम। हॉर्मोन्स के थ्रू इफेक्ट डिलेड होता है, फॉर एग्जांपल ग्रोथ हॉर्मोन्स। ताहिरा ठीक है, समझ आ गई। अब नेक्स्ट टॉपिक बिहेवियर वाला स्टार्ट करूं। बिहेवियर इज डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स, इनेट बिहेवियर एंड लर्न्ड बिहेवियर। इनेट बिहेवियर गर्ल्स उर्दू में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी, इनेट बिहेवियर वो होता है जो हमारी फितरत में हमें नेचर ने
विधियत किया होता है, हमें मिला होता है कुदरत की तरफ से, अल्लाह पाक की तरफ से, वो इनेट बिहेवियर है जो हमारे अंदर है। और लर्न बिहेवियर वो होता है जो हम एनवायरनमेंट से, अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से गेट करते हैं, जो एटीट्यूड्स, जो हैबिट्स, वो लर्न बिहेवियर है। ओके, अब इनेट बिहेवियर आप देखें, इनेट बिहेवियर इज अ कलेक्शन ऑफ रिस्पॉन्सेज दैट आर प्री डिटरमिंड बाय द इनहेरिटेंस ऑफ स्पेसिफिक नर्व और साइटोप्लाज्मिक पाथवेज इन मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यानी ये इनेट बिहेवियर जो है वो हम इनहेरिट करते हैं और ये प्री डिटरमिंड होता है, इनहेरिट करते हैं और ये प्री डिटरमिंड होता है, और मुख्तलिफ नर्व और साइटोप्लाज्मिक पाथवे होते हैं मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, उनमें ये प्री डिटरमिंड सिस्टम पाया जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ द बिल्ट इन पाथवेज अ गिवन स्टिमुलस वुड प्रोड्यूस इनवेरिएबली द सेम रिस्पॉन्स। ऑल प्लांट बिहेवियर इज इनेट, प्लांट्स में भी इनेट बिहेवियर होता है और एनिमल्स में भी इनेट बिहेवियर होता है। दीज बिहेवियर पैटर्न्स हैव बीन डेवलप्ड एंड बीन डिफाइंड ओवर मेनी जनरेशंस, कई जनरेशंस तक इनेट बिहेवियर ट्रांसफर किया जाता है, एंड देयर प्राइमरी अडेप्टिव सिग्निफिकेंस लाइज इन देयर सर्वाइवल वैल्यू टू दी स्पीशीज, and their primary adaptive significance lies in their survival value to the species. ठीक है, और primary adaptive significance है इस behavior की survival value है species को जो मिलती है, इस behavior की वजह से survival value एक मिलती है species को, और adaptive significance एक species के members को innate behavior give करता है। Another feature is the economy it places on nerve pathways within multicellular organisms, since it does not demand on the higher center of the nervous system. Nerve pathways में भी ये system place करता है, और innate behavior की two types हैं, orientation और reflexes and instincts. इनेट बिहेवियर की टू टाइप्स हैं गर्ल्स, ओरिएंटेशन और एंड इंस्टिंक्ट्स। ओरिएंटेशन की दो आगे टाइप्स हैं, काइनेसिस एंड टैक्सिस। काइनेसिस, ओरिएंटेशन की टू टाइप्स हैं, काइनेसिस एंड टैक्सिस। काइनेसिस को कैसे डिफाइन करेंगे? काइनेसिस इज अ बिहेवियर इन विच एन ऑर्गेनिज्म चेंजेस द स्पीड ऑफ रैंडम मूवमेंट्स विच हेल्प देम टू सर्वाइव इन द एनवायरमेंट। For example, the type of behavior enables pill bugs to reach the moist area which is required for their life. जैसे pill bugs की example दी हुई है कि वो moist area तक चली जाती हैं जो कि उनकी life में required होता है। Move करती हुई moist area तक pill bugs चली जाती हैं जो उनमें रिक्वायर्ड होता है, और ये इस तरह ये काइनेसिस जैसा एटीट्यूड, ऐसा बिहेवियर है जो एनेबल बना देता है एनिमल्स को कि वो रिक्वायर्ड एनवायरनमेंट अवेल कर लें। और ये स्पीड ऑफ रैंडम मूवमेंट्स भी इसमें देखी गई है, और ये नॉन रैंडम एटीट्यूड भी एनिमल्स शो करते हैं, और रैंडम मूवमेंट्स भी इसमें शो करते हैं, और अपना रिक्वायर्ड एनवायरनमेंट इस टाइप ऑफ बिहेवियर में गेट कर लेते हैं। टैक्सिस, इन कंट्रास्ट टू काइनेसिस, काइनेसिस की ऑपोजिट है ये टैक्सिस। सिंगुलर है इसका TAXIS, और प्लूरल है इसका TAXES। टैक्सिस इज अ डायरेक्टेड मूवमेंट आइदर टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम अ स्टिमुलस। ये टैक्सिस में एक डायरेक्टेड मूवमेंट होती है टुवर्ड्स द स्टिमुलस और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। यानी जैसे पेरेंट्स इनहेरिट किया है स्टिमुलस और उसका रिस्पांस, ये टैक्सिस वैसा ही डायरेक्टेड मूवमेंट एनिमल्स शो करते हैं। रिफ्लेक्सेस एंड इंस्टिंक्ट्स, इनेट बिहेवियर की सेकंड मेन टाइप है रिफ्लेक्सेस एंड इंस्टिंक्ट्स। ये काइनेसिस और टैक्सिस ये सब हेडिंग्स थी ओरिएंटेशन टाइप ऑफ बिहेवियर की। फिर
फिर सेकंड टाइप का बिहेवियर है ओरिएंटेशन के साथ, सेकंड टाइप है रिफ्लेक्सेस एंड इंस्टिंक्ट्स. दीज आर एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स एंड इंक्लूड बायोलॉजिकल रिदम्स, टेरिटोरियल बिहेवियर, कोर्टशिप, मेटिंग, एग्रेशन, एल्ट्रुइज्म, सोशल हायरार्कीज एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशंस. ये भी ओरिएंटेशन जो है ये भी इनेट बिहेवियर था, और रिफ्लेक्सेस एंड इंस्टिंक्ट्स ये भी इनेट बिहेवियर की में आ जाता है. और इसे इनेट बिहेवियर जो है ये भी इनहेरिटेबल है, प्री डिटरमिंड है, और ये इसमें रिदम्स आ जाते हैं, बायोलॉजिकल रिदम्स, टेरिटोरियल बिहेवियर, कोर्टशिप, मेटिंग, ग्रेशन, एल्ट्रुइज्म, सोशल हायरार्कीज एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशंस. ओके गर्ल्स, हम आज का टॉपिक मुकम्मल किया. फिर नेक्स्ट एक हेडिंग है इंस्टिंक्ट एंड लर्निंग, यानी लर्निंग का इंस्टिंक्ट के साथ क्या ताल्लुक है. ठीक है, इंस्टिंक्ट्स और लर्निंग, लर्निंग बिहेवियर में यानी ये आ जाता है इंस्टिंक्ट्स और लर्निंग, और लर्निंग बिहेवियर इंस्टिंक्ट्स और लर्निंग वाला एक टॉपिक है. फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है लर्निंग बिहेवियर. लर्निंग बिहेवियर जो हम अपने एनवायरनमेंट से लर्न करते हैं, हम सीखते हैं अपने एक्सपीरियंस से, अपने पेरेंट्स से, फ्रेंड से, अपने टीचर से, नेबर से, जो बिहेवियर हम अपना हैबिट्स वगैरह सीखते हैं हम अपने घर में, वो लर्निंग बिहेवियर में वो सब चीजें आ जाती हैं. और उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है इंस्टिंक्ट्स एंड लर्निंग. इंस्टिंक्ट्स एंड लर्निंग हम कल पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हम लर्निंग बिहेवियर पढ़ेंगे. फिर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह. फिर उसके बाद फोर्थ चैप्टर पे हम इंशाल्लाह आ जाएंगे. ओके, अल्लाह हाफिज़. मुझे भी 15 मिनट्स हैं. आयशा सुन रही हो? हाँ सुन रही हूँ. आयशा यार नंबर सेंड कर दे मिस का बी सेक्शन का, अगर तुम्हारे पास है तो. कौन सी मिस का? आपने तो कहा था 66 बी सेक्शन में है. पार्क स्टडी का 66 देखो ना, ए सेक्शन डिवाइड हुआ है ना 237 तक, ए बी सेक्शन में गए हैं और इस तरह डिवाइड हुए हैं, तो तुम्हारा बी सेक्शन में है. उसका पूछ रही हूँ फिजिक्स का. हाँ फिजिक्स का तुम्हारा बी सेक्शन में गया होगा ना, अगर ए में थी ना, मिस गजाला रिटायर हो गई थी ना. जी जी. तो मैं तुम्हें देख के ना भेजूंगी. कहाँ मैं नंबर तुम्हें? ग्रुप में सेंड कर दो. हाँ कौन से ग्रुप में? ये बायो के. अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है. थैंक यू यार, थैंक यू. बस मीटिंग खत्म हो गई है ना, मिस चली गई है लीव कर. ओके गर्ल्स, अल्लाह हाफिज़. अटेंडेंस ले भी ली, बहुत ज्यादा स्टूडेंट को होना चाहिए. गर्ल्स आप वक्त दें, टाइम दें पढ़ाई को, पढ़ाई में दिलचस्पी लें, आए क्लास में, मीटिंग में. शेड्यूल्ड मीटिंग है, इसको अरेंज करने पे मेहनत की है. आप भी ताबून करें, पढ़ें, आगे बढ़ें. अल्लाह हाफिज़. लाइशा